नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा पूरे शबाब पर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी चला रही है झाड़ू यात्रा। 150 लोगों ने हमीरपुर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की। जानिए कौन हुआ इंटरव्यू में सिलेक्ट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बंदरों की समस्या को लेकर शहरी मंच पर दिया धरना प्रदर्शन। कहा दोनों दल नहीं दिला पाए बंदरों से निजात। और जिला मंडी में जारी सीवरेज की समस्या के लिए खराब सीवरेज सिस्टम के साथ साथ आम जनता भी दोषी। प्लास्टिक और कपड़े कर देते हैं फ्लश। आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे देश में शुरू किए गए झाड़ू यात्रा अभियान को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ साथ ही जिला हमीरपुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। हमीरपुर में 22 फरवरी को प्रस्तावित आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा के सफल आयोजन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज से ही जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। हमीरपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला के सभी ब्लॉक्स के लिए कार्यकर्ताओं को दल के रूप में रवाना किया। इस दल को आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक अविनाश शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा 15 से 23 फरवरी तक सभी जिलों में झाड़ू यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर झाड़ू यात्रा का कार्यक्रम 15 फरवरी से 23 फरवरी तक किया जाना तय किया गया था और पूरे राष्ट्र में, पूरे देशभर में हर एक प्रत्येक राज्य में झाड़ू यात्रा 15 से 23 फरवरी के बीच में निकाली जा रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में भी झाड़ू यात्रा प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जा रही है। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी जिला संयोजक अविनाश शर्मा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से आम जनता को देश में कांग्रेस और भाजपा के द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार से रूबरू करवाने के साथ साथ जनता को पार्टी से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि जनता दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और एक नए विकल्प की तलाश में है। झाड़ू रैली जो हमीरपुर में प्रस्तावित की गई है शनिवार 12:30 बजे 22 तारीख को, उसकी सूचना हेतु आज यहां से झाड़ू यात्रा आरंभ हो रही है, जो दो दिन में जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से संपर्क करते हुए और विभिन्न क्षेत्र के लोगों को भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध जागरूक करने के लिए ये रथ यात्रा जो है वो आज यहाँ से निकाली जा रही है, यहाँ से शुरू होगी और दो दिन की अपनी यात्रा का जो समापन है वो परसों सुबह यहीं पे वो समापन होगा। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। वहीं सोलन में भी आम आदमी पार्टी ने आने वाले चुनावों को लेकर हिमाचल में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार की सफाई के संदेश के साथ ही सोलन में झाड़ू यात्रा का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक देशराज शर्मा ने भी शिरकत की। सोलन शहर में आम आदमी पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। इस झाड़ू यात्रा में जिला भर के आप कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर आपके प्रदेश संयोजक देशराज शर्मा भी उपस्थित रहे। झाड़ू यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारों के माध्यम से जहां एक ओर भाजपा और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए, वहीं सोलन वासियों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत भी करवाया। आपके कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश में फैले इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनावों में चारों की चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए ईमानदार स्वच्छ छवि के उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। फरवरी एंड तक या मार्च के पहले हफ्ते में के दौरान जो है हमारे प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में होंगे और बेहद ईमानदार और समाज सेवी लोगों को हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के चुनावों में जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने रास्ता दिखाया है, उसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के घर घर में इस गठन पहुंच चुका है। हर आदमी तय कर चुका है कि अब आम आदमी पार्टी के जो ईमानदार लोग हैं उनको सत्ता में लाना है। विधायक और एमपी की पावर आम आदमी के हाथ में आए, डीसी एसडीएम और बीडीओ की पावर आम आदमी के हाथ में आए, इसलिए पूरे देश भर में झाड़ू चलाओ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि स्वराज का संदेश जो है वो घर घर पहुंच सके। तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, उन लोगों ने जिस तरह से पिछले 65 सालों के दौरान इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला करके, जिस तरह से विकास के रास्ते में, बेरोजगारी के, अन्याय के रास्ते में जिस तरह से कीलें बिछाई हैं, इन्हीं को उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी झाड़ू यात्रा निकाल रही है। इस मौके पर जीत गुलेरिया ने कहा कि देश आज़ाद होने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में सुशासन कभी नहीं दे पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजनीतिज्ञों द्वारा सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और कहा कि आम आदमी पार्टी के पास ना ही बाहुबली नेता है और ना ही किसी तरह का काला धन, इसलिए उन्हें हिमाचल वासियों के कंधों का सहारा चाहिए ताकि वे विजयी होकर प्रदेश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर सकें। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की ट्रांसफर के लिए पॉलिटिकल आधार पर रिकमेंडेशन नहीं कर पाएगा, अगर कोई करता है उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त इन राजनीतिज्ञों के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं। हम इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं ओपनली, और आज की इस सरकार को भी चैलेंज करते हैं कि हम इस प्रशासन को चिल्ला दिखाएंगे और इस बार लोकसभा में और अगली बार विधानसभा में इस सरकार को बाहर फेंकेंगे। ये केजरीवाल के साथ हम कंधे से कंधा लगाकर हिमाचल निवासी खड़े हैं। आम जनता से भी हमारा ये निवेदन है, क्योंकि ना तो हमारे पास धन है, ना हमारे पास बाहुबली है, ना हमारे पास इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ना ही कोई ब्लैक मनी है, ना हम ब्लैक मनी की डोनेशन किसी से लेना चाहते हैं। साथियों, अपने मजबूती कंधों का हमें सहारा दीजिए और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। प्रदेश में आम आदमी पार्टी दिन ब दिन अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए अकेले हमीरपुर संसदीय सीट पर से ही करीब 150 लोगों ने आम आदमी पार्टी के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। हम आपको बता दें कि हमीरपुर सीट के लिए 15 फरवरी को दिल्ली में पार्टी द्वारा गठित बोर्ड ने दावेदारों के साक्षात्कार लिए थे, जिसमें कुल 150 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी और बोर्ड ने इनमें से सिर्फ 9 दावेदारों को ही चयनित किया है। एक समय था जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं था और लोग इसके साथ चलने से भी कतराते थे, लेकिन दिल्ली में हुए चुनावों ने आम आदमी पार्टी की दिशा और दशा ही बदल के रख दी। आज की तारीख में हर कोई आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए आतुर है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में होने वाले चुनावों के लिए प्रत्याशियों के लिए आपके पैनल ने 15 फरवरी को दिल्ली में उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए, जिसमें अकेले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही 150 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। इन 150 लोगों में से आम आदमी के पैनल के लिए केवल 9 लोगों को ही चुना गया। यह बात दिल्ली में इंटरव्यू देकर आए अमर चौधरी ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। मैंने आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी उम्मीदवारी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी जिताई है, और जिसके लिए हमारा दिल्ली में एक इंटरव्यू लिया गया था। उस इंटरव्यू में हमारे वहाँ पर 150 सहयोगियों ने उपस्थिति दर्ज कराई और उसके तहत स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा हमारे 9 आदमियों का चयन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हुआ है। तो उसके मैं जिला बिलासपुर से अकेला उम्मीदवार हूं, तो मैं सभी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जितने भी हमारे मेरे सहयोगी और मेरे भाई जो भी इसकी यहाँ इस संबंधित रखते हैं, मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए और ये आज की राजनीतिक व्यवस्था जो वंशवाद और परिवारवाद से भरी पड़ी है, तो उनको उनसे उससे मुक्त करवाने के लिए मैं सभी का सहयोगी बनकर उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि वे आपके साथ जुड़कर वंशवाद, भ्रष्टाचार आदि को जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। के लिए बिलासपुर से विजय राज उपाध्याय की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। १९२८ से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहां पर आपको मिलते हैं
खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ज्वेलरी की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम महाशय ज्वेलर्स शिमला आपके शहर मंडी में लगा रहे हैं 2 दिवसीय आभूषण प्रदर्शनी एवं सेल। 9 व 10 मार्च रविवार एवं सोमवार प्रातः 11 से शाम 7 बजे तक होटल राजमहल मंडी में। इस प्रदर्शनी में जूनागढ़ी, कलकत्ता, काठियावाड़ी, राजकोट एवं त्रिशूर ज्वेलरी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की मासिक किस्तों पर भी ज्वेलरी उपलब्ध। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करवाएं। महाशय ज्वेलर्स शिमला, हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 09455-00371, 09418-86573, 09418-93619। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदेश में बंदरों की समस्या को लेकर सेरी मंच पर एक धरना प्रदर्शन किया। एमसीपी का कहना है कि इस समस्या को लेकर वह कई बार सरकार के सामने प्रदर्शन व अपील कर चुके हैं, लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, दोनों ही दल पिछले 10-11 सालों से इस समस्या से कोई भी हल निकालने में सफल नहीं हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने प्रदेश में बंदरों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंडी सेरी मंच पर एक धरना दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह धरना मंडी जिला के हर एक शहर में दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी पिछले 10-11 सालों से इस समस्या को हल कराने की सरकार से मांग करती आई है, लेकिन आज दिन तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई। बंदरों की समस्या शहर में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ धरना किया। और ये धरना जो है तो जिला के विभिन्न स्थानों पर, तहसील लेवल पर और विभिन्न शहरों पर, नेर चौक में और सरका घाटा आदि अन्य शहरों में भी किया जा रहा है। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार को एक सांकेतिक रूप से चेतावनी दी है कि इस बंदरों की समस्या के लिए स्थायी नीति बनानी होगी। बंदरों की समस्या जो है तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों से CPIM इसके लिए मांग उठाती रही और कई बार विधानसभा का घेराव तक भी किया है विभिन्न संगठनों के माध्यम से, परंतु सरकार ने आज तक कोई विशेष नीति इसके ऊपर नहीं बनाई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज सरकार को चेतावनी देती है कि
लिए धरने प्रदर्शन और तीव्र हो गया और हमारे जो है तो इस मांग को पूरा करना होगा या तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिमाचल में दोनों ही दल कांग्रेस और भाजपा शासन कर चुके हैं, लेकिन बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कोई भी ठोस विधेयक पास नहीं करवा सकी और ना ही बना सकी। उन्होंने कहा जब नेताओं को अपना वेतन बढ़ाना होता है तो वे विधेयक को तुरंत ही पास कर देते हैं, लेकिन ऐसी जनहित की बात पर सरकार कुछ नहीं कर पाती। पहले धूमल सरकार कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद धूमल सरकार आई, अब एक साल कांग्रेस सरकार को हो गया, पर 11 सालों में कोई भी नीति बंदरों की नहीं बना सकी है सरकार। अपना वेतन बढ़ाने हो तो बिना चर्चा किए हुए 5 मिनट में प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, पर बंदरों और जंगली जानवरों की समस्याओं के लिए 11 सालों में कोई नीति नहीं बन रही है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बंदरों की समस्याओं पर नीति बनाए, नहीं आने वाले लोकसभा के चुनावों में इसको दोनों पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज पूरे जिला मंडी में तहसील स्तर पे और जिला मुख्यालय के प्रांगण में हर क्षेत्र में CPIM के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के कि बंदरों सूरों और जंगली जानवरों का जो प्रकोप बढ़ रहा है जिससे किसानों की खेती नष्ट हो रही है और शहर में तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मतलब छत पे अगर वो कपड़े रखते हैं तो उनको भी बंदर फाड़ के फेंक देते हैं। स्कूल में बच्चे स्कूल को के लिए जाते हैं तो रास्ते में बंदर बैठे होते हैं, उन पे अटैक होता है। इसके अतिरिक्त तो बहुत सी समस्याएं, मैंने अभी पिछले कल 2-4 दिन पहले शहर में ऐसे ही आकलन कर रहे थे हम, तो मैंने सुबह देखा कि एक हाथ में डंडा लिया है जो पूजा के लिए जा रहा है, मंदिर के लिए कोई आस्था से जुड़े हुए लोग जाते हैं तो एक हाथ में डंडा होता है और दूसरे हाथ में पूजा की थाली होती है। तो इस तरह से मतलब कुछ प्रभावित किया जा रहा है लोगों की, ये जो समस्या है बढ़ रही है, लेकिन सरकार जो है इस पे सचेत नहीं हो रही है। सरकार अगर इन मुद्दों को नहीं सुनती है, इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं करती है तो आने वाले समय में हम इस संघर्ष को और तेज करेंगे और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है इसमें हम सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की है चाहे पूर्व में रहे भाजपा सरकार की नीतियों की जो बात है, तो हम उनको आम जनता तक पहुंचाएंगे और उन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को लामबंद करेंगे और इसका असर अभी वोट जो होने हैं MP के उसमें देखने को भी मिलेगा। चलिए, तो बंदरों की समस्या को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये बात तो पता नहीं, लेकिन लोग और विभिन्न संगठन इस बात को गंभीरता से ले चुके हैं और अब बस इंतजार कर रहे हैं चुनावों का। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज में। फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। सैमसंग का हर प्रोडक्ट अब एक ही छत के नीचे। जी हाँ, मंडी में खुल गया है सैमसंग का एक्सक्लूसिव शोरूम सिर्फ CL मेहरा एंड सन्स में। तो देर ना कीजिए और सैमसंग के बेहतरीन प्रोडक्ट्स की विस्तृत रेंज के लिए आज ही पहुंचे। CL Mehra & Sons near BSNL Telephone Exchange, Mandi. ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे।
अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 8265033999। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़ भाड़ और प्रदूषण से दूर यहाँ बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहाँ 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुंमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नागचला से लेकर डडोर तक बने फोर लेन के कारण स्थानीय लोगों की फसलों को हो रहे नुकसान की समस्या को लेकर वे लोग हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में तहसीलदार बल से मिलने और उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। किसान सभा ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि वे किसानों को फोर लेन के निर्माण के कारण हो रहे नुकसानों की इविज में उचित मुआवजा दिलवाएं। और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। बल क्षेत्र के किसान हिमाचल किसान सभा के उपाध्यक्ष परसराम के नेतृत्व में तहसीलदार बल से मिले और उन्हें किसानों को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। किसान सभा ने तहसीलदार से आग्रह किया है कि फोर लेन के निर्माण कार्य के कारण किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। उन्होंने तहसीलदार से आग्रह किया है कि वे मौके का मुआयना करके प्रभावित को कंपनी से मुआवजा दिलवाएं। आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जो फसलें खराब हुई हैं उनका मुआयना करें तहसीलदार साहब, और जो मुआवजा है वो किसानों को पूरे का पूरा मुआवजा दिलाएं कंपनी से, अन्यथा आने वाले समय में किसान सभा जो है कोई संघर्ष की रूपरेखा बनाएगी और किसानों का किसी प्रकार का भी नुकसान जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। आज तहसीलदार साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो कल ही इस कंपनी को जो है समन करेंगे और कल शाम को 4 बजे जो उनसे बैठ करके बात करेंगे। हमें उम्मीद है इस समस्या का कोई ना कोई हल कल निकाला जाएगा, और ये भी है कि इसके साथ आने वाले समय के लिए कोई परमानेंट समाधान जो है, स्थायी समाधान जो है, इस कंपनी को ढूंढना होगा ताकि ये जो ज़मीनें हैं इनकी रक्षा हो सके। वहीं तहसीलदार भल ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वे उनकी समस्या को जल्दी ही हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्होंने फसल बीजी हुई थी, इनकी गेहूं की जो फसल थी और सब्जियां भी थी बीच में कई जगह, उसका नुकसान हुआ है। तो ये लोग चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनके उस नुकसान की भरपाई करे। तो इस चीज़ को हम जो मौजूदा इसके बारे में जो कानून है उसके तहत NHAI के लोगों को नोटिस कर रहे हैं, और कल उनको हम यहाँ बल तहसील नेर चौक में बुला रहे हैं। इनको भी हमने बुलाया है ताकि दोनों के समुख जो ये इनका मसला है नुकसान की भरपाई का, उसके ऊपर हम चर्चा कर सकें और उसके ऊपर हम फैसला ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नेर चौक। के न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।